देखिए मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं हर आदमी के बात का जवाब दूं। मैंने पहले कहा जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी। दो विचारधारा हमेशा इस धरती पर भी रही है, इस देश में भी रही है, और ये विचारधारा कोई आज से नहीं है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की है तब से दो विचारधाराएं रही है, अब दो विचारधाराओं का संघर्ष हमेशा होता रहा है, लेकिन आज सनातन प्रेमियों की विजय है। उनके जो आराध्य देव का मंदिर कभी तोड़ा गया था वो आज उनके सामने बन रहा है, वो लोग गर्व महसूस कर रहे हैं, और जिनको शर्म महसूस करना है वो शर्म करें, क्या दिक्कत है। रामचरितमानस किस तरीके से देख रहे हैं उनके फर्जीवाड़े क्या, अरविंद केजरीवाल का जो मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है उसमें जांच कराने में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने, एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। देखिए मेरे कई बयान हैं, मैंने बहुत धूर्त देखे हैं, लेकिन केजरीवाल जैसा धूर्त मैंने नहीं देखा है। और उसने दिल्ली की जनता में, जनता के आंखों में धूल नहीं मिर्चा डाला है, और मिर्चा डाल करके इतना दिन तक शासन करने का काम किया है। और आप देखिए कि क्या आप देश के कानून से बड़े हैं? अगर आपको देश की कोई जांच एजेंसी बुला रही है, जांच करना चाहती है, तो आप क्यों नहीं जा रहे हो? क्या आप देश के कानून से बड़े हैं? सांसद जी के साथ पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये मेरा विषय नहीं है सांसद जी, जैसे कि राम मंदिर का, अरे रुक जाओ, ये मेरा विषय नहीं, उस पर मैं नहीं बोलूं। जैसे कि राम मंदिर का निर्माण अब चल रहा है और 22 तारीख को फिर से वही चीज, 84 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत महर्षि तुलसीदास की जन्मस्थली आ रही है, उसके जीर्णोद्धार को लेकर क्या किया जाएगा आगे? उसके लिए मैंने एक प्रयास किया था जी, और उस समय समाजवादी पार्टी के कुछ नेता अवरोध उत्पन्न किए थे जी जी, और सरकार क्या करेगी नहीं करेगी मैं इस बात को ठीक से जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं अयोध्या के संतों से मिलकर के परामर्श कर रहा हूं, और गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मस्थली का उद्धार हम जनता के सहयोग से करेंगे। सांसद जी कांग्रेस का अभी परसों मंगलवार को नर्सी कानून जो पास करने जा रही है, चुनाव का एक दूसरी तरह लोकसभा चुनाव का है। जयराम रमेश ने कहा है कि जो पास करने जा रही है सरकार कानून सीए है, तो वो चुनाव को लेकर ध्रुवीकरण किया जा रहा है। अब उनको जो कुछ कहना कहेंगे वो हर विषय पर हमको नहीं, जिस तरीके से कार्यक्रम में सरकार ने परसों चित्रकूट में 21 करोड़ का बजट स्वीकृत किया, 4 करोड़ रुपए प्रथम किस्त के रूप में आवंटित भी कर दिए, जबकि जनपद में जो ये है जन्मस्थली स्थल राजापुर भरतपुर में, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या यहाँ पर उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, शायद वो जो सरकार है वो चित्रकूट या बांदा को ही जन्मभूमि मानती है, लेकिन गोंडा जनपद और आसपास के लोगों का पूर्ण विश्वास है, उनके पिताजी के नाम पर खतौनी भी है, और हर काम सरकार नहीं करती है, उस काम को हम लोग जन भागीदारी से करेंगे। ओवैसी जिस तरह मस्जिद की बात कर रहे हैं, और उन्होंने एक अपील कर दी कि अब मस्जिद नवयुवक मस्जिद बचाए, हमारी मस्जिदों को छीना जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, अब ओवैसी क्या करेंगे बेचारे, यही तो करेंगे और क्या करेंगे, क्या सलाह है? अरे जो कर रहे हैं कर रहे हैं, पहलवान इतने धरने पे हैं, कैसे क्या कैसे दिखते हैं? नहीं मेरा विषय समाप्त, उन्होंने कहा कि आप ये करवा रहे हैं जो धरना, अब उनको जो कुछ कहना है कहें। अच्छा वैसे फिर कह रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा 6 दिसंबर नहीं भूलने दूंगा, हमेशा याद दिलाता रहूंगा, बाबरी मस्जिद कांड याद दिलाता रहूंगा। उनको कौन कह रहा है भूल जाओ भाई,